So hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to another video. And guys, for the second time I'm going to ride this motorcycle, Java Classic 350 or Java 350. By the way, Java 350 2024 में पहले भी चला चुका हूँ, but वापस से मैं इसको क्यों चला रहा हूँ? Because इसमें DB killer नहीं है भैया. So अभी देखते हैं कि DB killer के बगैर ये कैसी sound करती है. So visor खोल लेते हैं and ये काफ़ी लाउड साउंड कर रही है, काफ़ी तगड़ा साउंड कर रही है. बाकी डीवी किलर के बगैर एक अलग सा थंप आ रहा है, सो डेट्स अमेजिंग. बाकी बाइक हम पहले ही चला चुके हैं एंड मैं आपको बता चुका हूँ बाइक चलाने में कैसी है कैसी नहीं है. इनिशियल इज़ गुड एंड इसकी डिटेल राइड रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है, सो येस यू कैन चेकआउट दैट. उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बाइक में आपको क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता एंड बाइक चलाने में कैसी है, बाइक में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं. हालाँकि बाइक की जो हीटिंग यानी हीट मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी आज टेस्ट होगी, बिकॉज आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यार. आज आते वक्त मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि क्या ही बताएं. सभी देखते हैं कि इस गर्मी में ये बाइक कैसी परफॉर्म करती है, यानी हीट मैनेजमेंट कैसी रहती है इसकी. एंड ये मुझे थोड़ा सा इसका ब्रेक का जो बाइट है ना, ये सब थोड़ा सा अलग लग रहा है. एंड हमने जो मिस्टिक कॉपर वाली चलाई थी वो चलने में थोड़ी सी अलग थी इससे, ये पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा उतना स्मूथ फील नहीं हो रहा. एंड इसमें ना लो एंड में मुझे जर्किंग मिल रही है, तो ये जो मैंने लास्ट वाली जो यूनिट चलाई थी उसमें ये नहीं थी. इसमें पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है, देख सकते हो लो एंड में थोड़ा सा झटका मार रही है. हालांकि अभी 2024 जावा 350 या जावा SD की कोई भी मोटरसाइकिल में ये जर्किंग वाली इशू नहीं है, यानी लो एंड में बाइक बढ़िया पिकअप ले लेती है एंड उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. बट इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार बाइक थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है. बाकी मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया था कि इसमें DB किलर आप हटा सकते हो, सो DB किलर अभी इसमें हटा हुआ है एंड अभी आपको जो साउंड आ रहा है ये है DB किलर के बगैर. तो उस वाले वीडियो में थोड़ा सा अलग साउंड आ रहा था, इस वाले वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा थ्रोटी एक्सॉस्ट नोट मिलेगा बिकॉज DB किलर इसमें हटा हुआ है एंड काफ़ी थ्रोटी एंड काफ़ी मतलब लाउड सा साउंड कर रहा है. सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है बट आई डोंट नो दिस इज़ रोड लीगल और नॉट. वैसे रोड लीगल होना चाहिए, उतनी ज़्यादा लाउड भी नहीं है. एंड अगर आपने कभी बुलेट 350 या क्लासिक 350 में डॉल्फिन साइलेंसर लगाया है, ग्लोब वाले साइलेंसर लगाया है, तो उसमें जैसे साउंड करती है ना वैसा साउंड कर रही है पूरी. बाकी देखो बाइक चलने में कैसी है भागने में कैसी है मैं ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ. तो ये बाइक जो है ये भी 334 cc प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है एंड सबसे कम कंप्रेशन रेशियो के साथ ये आती है. सो हीटिंग की प्रॉब्लम इसमें सबसे कम रहनी चाहिए. बॉबर वगैरह में आप लोगों को थोड़ा बहुत हीट फील हो जाता है बट इसमें बिल्कुल भी हीट फील नहीं होती. एंड काफ़ी जैसे मैं इसको चला रहा हूँ देख सकते हो. एंड द ऑडियो क्वालिटी इज़ मैन, ऑडियो क्वालिटी इज़ डैम गुड इन दिस मोटरसाइकिल. आप अगर DB किलर हटा दोगे तो एक अलग ही साउंड कर रही है. सो ये साउंड मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर इसको मतलब बिना कुछ बोले एक ASMR वीडियो बना लेते हैं इसमें, यानी सिर्फ आपको इसमें एग्जॉस्ट का नोट सुनाई देगा वैसा एक वीडियो बनाते हैं, इतनी अच्छी है. बाकी इस बाइक में ना एक सैचुरेशन पॉइंट है तो ये काफ़ी बढ़िया लगा. जैसे जावा एंड SD की हर मोटरसाइकिल में आप देखते हो कि थोड़ी सी प्लेफुल इंजन है, तो वो जो एक सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा मिस करती है, यानी एक पर्टिकुलर RPM ऐसी रहती है जहाँ पे आप लोग मन करेगा कि सारा दिन वहीं पे पकड़ के बैठे रहे. सो क्रूजिंग पॉइंट हम जिसको कहते हैं, सो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. बाइक जो है मिड रेंज में काफ़ी स्मूथ फील होती है, काफ़ी जो है रिफाइंड फील होती है एंड लिटरली यार मिड रेंज में कोई वाइब्रेशन नहीं है. एंड लो एंड में हालांकि इसमें एक झटका आ रहा है, बट जो हमने नॉर्मल टेस्ट राइड वेरिएंट यूज़ किया था उसमें कोई झटका नहीं था. एंड जैसे कि हमने ऑडियो क्वालिटी की बात की तो इसमें आप लोग को डुअल हॉर्न भी मिलता है एंड साउंड इज़ वेरी गुड इन दिस मोटरसाइकिल. बाकी देखो राइड रिव्यू तो इसके चैनल पर ऑलरेडी है, तो मैं बस यही देखना चाहता था कि बिना DB किलर के साउंड कैसी करती है. सो दैट्स वाई मैंने सोचा एक छोटा सा स्पिन इस पर लेते हैं. सो बाकी बाइक निम्बल है, बाइक की ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेक्स आर प्रोग्रेसिव एंड आप लोग को स्लिपर क्लच मिल जाता है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच जावा की हर मोटरसाइकिल में भी मिल जाता है. सो क्लच इज़ लाइट, राइड क्वालिटी इज़ वेरी गुड. आपको बाइक चला के मज़ा आएगा, सिटी में चला के मज़ा आएगा, बाइक को भगाने में मज़ा है. सो या इट्स अ फन मोटरसाइकिल एंड लुक्स क्लासिक ऑल्सो. बाइक हल्की है एंड काफ़ी निम्बल भी है. बाय द वे गाइस एक चीज़ है क्लच की अगर मैं बात करूँ तो देखो वैसे तो इसमें लाइटर क्लच है बट अगर मैं किसी भी स्लिपर असिस्ट क्लच वाली बाइक के साथ इसको कंपेयर करूँ ना तो क्लच थोड़ी सी उनसे आपको हार्ड लगेगी. बाकी एक चीज़ है यार आज इतनी गर्मी है जैसे कि मैंने कहा कहीं भी मुझे हीटिंग फील नहीं हुई. सो हीट मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड इन दिस इंजन एंड बाइक की कंप्रेशन रेशियो एक्चुअली उतनी ज़्यादा नहीं है बट भागती काफ़ी बढ़िया है. सो लो कंप्रेशन रेशियो एंड लो पावर की इंजन है बट वैसा फील नहीं होता कि जावा की सबसे ज़्यादा अंडर पावर्ड इंजन है. सो भगाने भी मज़ा आएगा, आपको फ़िल्टर करने में मज़ा आएगा, काफ़ी हल्की एंड काफ़ी निम्बल फील होती है.
कंफर्ट हालांकि थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे, कंफर्ट यानी कि सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो थोड़ा सा बेटर हो सकती थी, थोड़ा सा जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में हो सकता था, बिकॉज रियर में थोड़े से यू नो फीडबैक्स आते हैं। ये देखो जैसे स्पीड ब्रेकर आया, तो यहाँ पे अगर क्लासिक 350 या मीटियो 350 जैसी कोई मोटरसाइकिल होती तो उसमें आप लोग को उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। हालांकि फीडबैक उनमें भी आती है, यानी सस्पेंशन उसकी भी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट वहाँ पे आप लोग को सॉफ्टर सीट्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे सीट की जो कुशनिंग है ना, इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते थे। बाकी यहाँ पे वापस रुक के आपको थोड़ा सा इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं, एंड एक्चुअली मुझे थोड़े से थंबनेल के लिए फोटोज़ भी चाहिए, तो वो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड सीरियसली यार, जावा की जगह आप मोटरसाइकिल से डीबी किलर हटा दे तो ना मतलब अलग ही साउंड करती है, एंड एक जो छछड़ करके एक साउंड आता था वो मतलब हट जाती है पूरी तरीके से, एक थ्रोटी एंड एक काफ़ी अलग टाइप का साउंड आता है, एंड विच आई लाइक पर्सनली, बट अब आई डोंट नो कि इससे माइलेज ड्रॉप होती है कि नहीं। बाकी एक बार वापस देख लो, ये मरून कलर कुछ ऐसी लग रही है, एंड या दिस इज़ अ टेस्ट राइड वेरियंट। बाकी सब कुछ आपको हैलोजन मिलता है एक चीज़ के अलावा। ये जो पीछे का टेल लाइट देख सकते हो, ये आपको जावा की हर मोटरसाइकिल में LED मिलती है। बाकी टर्न सिग्नल वगैरह आपको हैलोजन मिल जाते हैं इसमें। अच्छा बाय द वे, इसमें क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, यानी एक्सेसरीज लगे हुए हैं, एंड क्रैश गार्ड बोलते हो या लेग गार्ड बोलते हो, जो भी बोलते हो, पूरा देख सकते हो क्रोम में है। सो क्रोम के साथ ये काफ़ी बढ़िया मैच कर रही है। बाकी बाइक यार दिखने में काफ़ी बड़ी लगती है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, क्लासिक 350 से काफ़ी बड़ी लगती है। दिस वीडियो इज कम्प्लीटली अबाउट द ऑडियो ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो एक बार पहले आप लोग इसका हॉर्न सुना देते हैं। सो ड्यूअल हॉर्न काफ़ी बढ़िया साउंड करती है, देख सकते हो यहाँ पे एक हॉर्न, यहाँ पे एक हॉर्न, तो हॉर्न का यार साउंड एकदम अलग ही आता है। सो हॉर्न काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इसमें, एंड यहाँ पे ये सब चीज़ें भी एक्सेसरीज लगे हुए हैं, तो ये आपको स्टॉक नहीं आते, बट आप चाहे तो ये लगा सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग एक सी टाइप एंड USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। सो ये सब कुछ चीज़ें मैं सोचा आप लोग को दिखा दूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सिंस 1929, एंड जावा की हर मोटरसाइकिल में ये जो चीज़ है ये हाथ में आ जाता है, सो यहाँ पे आपको हिंज नहीं मिलता। बाकी देखो इसमें एक ही चीज़ मुझे सबसे ख़राब लगता है, ये यहाँ पे आप पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं, बिकॉज सनलाइट एक्चुअली काफ़ी तेज़ है। सो यहाँ पे एक्चुअली जो टेम्परेचर वार्निंग, देन ABS का लाइट, देन न्यूट्रल का लाइट, सब कुछ जो है आपका ब्रॉन्ज के अंदर है। सो ये जो ब्रॉन्ज कलर का स्ट्रिप देख रहे हो ना, उसमें जो है सब कुछ आपको इंटीग्रेटेड है, एंड दिन के टाइम में लिटरली ये लाइट्स जो है ये अगर ग्लो भी करते हैं ना तो नहीं दिखते। सो अभी मैं इसको न्यूट्रल में करता हूँ, एंड आप देखना एक चीज़। सो न्यूट्रल में यानी न्यूट्रल का लाइट ऑन हुआ, बट यहाँ पे आप लोगों को जब तक मैं ऐसे करके नहीं रखूँगा तब तक आप देख भी नहीं पाओगे कि यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट जल रहा है कि नहीं। बाकी इधर फ्यूल का लाइट जल रहा है, मुझे अभी दिखाई दिया। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है। सो यूजेबिलिटी वाइज ये सब कुछ दिक्कत है जो आपको फेस करने पड़ेंगे। बढ़िया, अगर आप एक रेट्रो मोटरसाइकिल चाहते हो एंड आपको पसंद है ऐसी टाइप की ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल, देन दिस इज़ द बाइक फॉर यू। एंड वाकई में जो पुरानी वाली जावाज़ आती थी उनकी याद दिला रही है, स्पेशली ये जो मरून कलर का है। मुझे पर्सनली जो मिस्टेक ऑरेंज है वो ज़्यादा पसंद है, बट ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक बार वापस आप लोग इसका साउंड सुना देते हैं, एंड इसको राइड करके वापस ले जाते हैं शोरूम वालों के पास। एंड जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जावा एंड SD के मोटरसाइकिल में अगर आपकी बाइक न्यूट्रल में भी हो तो भी आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। सो लेट्स प्रेस द क्लच एंड तो एक काफ़ी थ्रोटी सा एग्जॉस्ट नोट आपको सुनने को मिलता है, एंड बाइक में आप लोग को साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। सो ये सब काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसको वापस कर देते हैं शोरूम वालों के पास। एंड एक्चुअली मेरा मन था थोड़ा सा यहाँ पे फोटोशूट करने का, बट थंबनेल मैं सोच रहा हूँ कि अंदर जाके यानी शोरूम के सामने ले लूँ, बिकॉज गर्मी में पूरा यार हालत ख़राब हो रहा है। सो यहाँ पे नहीं, शोरूम में जाके करते हैं जो करना है। बाकी सस्पेंशन की ट्यूनिंग उतनी भी हार्ड नहीं है, आप आराम से मैनेज कर लोगे, बट आपको लग सकता है कि थोड़ी सी और सॉफ्ट हो सकती थी, यानी फीडबैक्स आपके बम्प्स तक थोड़ा सा अगर कम आते तो ज़्यादा आपको बेटर फील होता। बाकी अभी कुछ देर मैं थोड़ा सा शांत बैठूंगा, एंड आप लोग सुनो इसका एग्जॉस्ट नोट, एंजॉय करो। बाकी यहाँ पे थोड़े से रास्ते बन रहे हैं। सो यस गाइस, काफ़ी बढ़िया भागती है एंड काफ़ी बढ़िया साउंड भी करती है, एंड भगाते वक्त आपको थोड़ा सा इसमें डोमिनार वाला टच आपको फील होगा, यानी जो साउंड है, जो ऑडियो क्वालिटी है, मतलब भगाते वक्त जो इसकी ऑडियो है ना वो थोड़ी सी डोमिनार को मैच करती है, बिकॉज उसमें भी आपको थोड़ी सी थ्रोटी एग्जॉस्ट नोट सुनने को मिलती है, बट
इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट मोटरसाइकिल एंड ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासिक और सम अदर मोटरसाइकिल बिकॉज ये थोड़ी सी स्पोर्टी इंजन के साथ आती है, आप लोगों को मालूम ही है। बाकी अगर वाइब्रेशंस की बात करूँ तो हायर रेव्स में थोड़े से वाइब्रेशंस है, बट वो सिर्फ मिरर्स में है एंड बाइक में आप लोगों को उतना वाइब्रेशन फील नहीं होगा। एंड हालांकि हायर रेव्स में हर बाइक वाइब्रेट करती है बट इसमें काफ़ी कम है। एंड हम लोग अभी आए थे जावा एंड यसडी बागुईहाटी वीआईपी रोड। अगर आप लोगों को जावा एंड यसडी से रिलेटेड कोई भी बाइक परचेज करनी हो, टेस्ट राइड बुक करनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा राइड एक्सपीरियंस जावा 350 2024 पे। एंड इस वाले बाइक में डीबी किलर नहीं था एंड लास्ट वाला वीडियो में आपने जो बाइक दिखा था उसमें डीबी किलर लगा हुआ था, सो इसलिए थोड़ा सा ऑडियो अलग आया होगा। एंड उस वीडियो में काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया ये बिना डीबी किलर के कैसी साउंड करेगी, एंड यस इसमें आपको डीबी किलर हटाने का एक्चुअली फैसिलिटी मिलता है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। बाकी इसकी डिटेल्ड राइड रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है एंड यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, सो यू कैन चेक आउट। बाकी ये वाला वीडियो यही तक। बाकी वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो का ब्लॉग में। राइड हार्ड, राइड सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।